भारत को गोल्ड का इंतजार था और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे थे तो दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जब भारत को पहला गोल्ड मिला है ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रोवर में जीता है गोल्ड, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इससे पहले बजरंग पुनिया ने जिस तरह से कांस्य पदक जीता उसके बाद अब भारत को पहला गोल्ड मिला है, बहुत बड़ी खुशखबरी भारतवासियों के लिए। और जिस गोल्ड का इंतजार लगातार इस टोक्यो ओलंपिक में किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि भारत को गोल्ड मिल चुका है। नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड दिलाया है जैवलिन थ्रोवर में, ये गोल्ड जीता है उन्होंने और भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। ओलंपिक में जिस तरह से भारत का शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा ने बड़ी जीत दर्ज कराई है, भारत को गोल्ड मिला है, पहला गोल्ड जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। आज टोक्यो ओलंपिक का सुलहवा दिन है, 16 दिन पिछले 15 दिन से लगातार गोल्ड का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है, पहला गोल्ड भारत के नाम नीरज चोपड़ा ने दर्ज करवाया है। तो इससे पहले बजरंग पुनिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से कांस्य पदक भारत के नाम कराया और ऐसे में अब नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया है, ये बड़ी जानकारी और बेहद दिलचस्प तस्वीरें उस वक्त थी जब लगातार नीरज चोपड़ा शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। तो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रोवर में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता है और ये भारी जीत दर्ज कराई है नीरज चोपड़ा में। ऐसे में लगातार भारत में अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप सोनतर जो कि लगातार नीरज चोपड़ा जिस तरह से भारी जीत दर्ज करवा रहे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 में। लेकिन जिस तरह से प्रदीप जी ये भारी जीत दर्ज करवाई है, जो पहला गोल्ड है वो भारत के नाम हो चुका है, जो इंतजार पिछले 15 दिन से किया जा रहा था वो खत्म हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं चोपड़ा को बहुत बधाई और पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यह सब दिन बहुत खुशी होगी। से पहले अभी बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक भारत के नाम किया, अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है और ऐसे में देश के युवा जो खेल जगत में आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक संदेश पहुंच रहा है और बहुत बेहद दिलचस्प तस्वीरें भी लगातार देशवासियों को देखने को मिल रही हैं। आपको और इसी बीच बबीता फोगाट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में बबीता जी। लेकिन जिस तरह से इस वक्त भारत में खुशी की लहर है, अपने आप में हर देशवासी खुशी से झूम रहा है क्योंकि जो गोल्ड का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हो चुका है, भारत को पहला गोल्ड मिला है, क्या कुछ कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं नीरज को और उनके पूरे परिवार को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि नीरज से जो उम्मीदें थी, नीरज उस उम्मीदों पे देश 130 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पे खरा उतरा और देश के लिए गोल्ड लेके आए क्योंकि हर किसी की नजर गोल्ड पे टिकी हुई थी कि गोल्ड कौन लेके आएगा। और अंत में जाते जाते नीरज चोपड़ा ने ये खुशी सभी देशवासियों को दी है, 130 करोड़ देशवासियों, तो बहुत बहुत बधाई जी। बबीता जी आज का दिन बेहद खास क्योंकि इससे पहले देश के नाम कांस्य पदक भी आया, जिस तरह से पुनिया ने ये कांस्य पदक भारत को दिलाया उसके बाद अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलवाया, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए इस वक्त जो है बेहद खुशी की लहर है पूरे देश में और इसके साथ ही पूरे दुनिया में भारत का परचम लहरता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, और मेडल तालिका में भी हमारा देश बहुत ऊपर आया है और इस गोल्ड के साथ, और हमारे देश में अब पहली बार इतने मेडल आए हैं, तो ये एक खेल नीति की और स्पोर्ट्स पर्सन जिस तरह से वो मेहनत करके जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ता गया तो उससे उन्होंने दिखा दिया कि मेहनत के बलबूते सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और अपनी मेहनत के बलबूते आज नीरज चोपड़ा ने, बजरंग पुनिया हो, चाहे मीराबाई चानू हो, चाहे लवलीना हो, सभी के सभी, रवि दहिया हो, सभी ने अपनी जो जी जान लगाई थी, आज उनका नतीजा है कि उन्होंने देश को इतने सारे मेडल दिलाए हैं। बिल्कुल, सभी खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की और जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत एक के बाद एक नया कीर्तिमान गढ़ता हुआ नजर आ रहा है टोक्यो ओलंपिक में, जिस तरह से भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। और ऐसे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं बबीता जी, और कहीं ना कहीं जो देश के तमाम युवा है उनके बीच भी खुशी की लहर है। सबसे बड़ी बात है की नौकरी
और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको यह रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे और उसमें उसका हेड बनाएंगे, उसको उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के कारण से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमीय एक अवसर ये दिन है और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की जमीन को जाता है, यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है, हरियाणा के जो ध्यान से देख रहे थे फोन भी आपके बज रहे हैं। मेडल मिला है और ऐसे में भारत में स्वर्णिम मौका है ये, और सीएम मनोहर लाल भी लगातार हौसला अफजाई करते हुए और साथ ही नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने और भी ज्यादा हौसला अफजाई किया और साथ ही जो युवा इस खेल जगत में आना चाह रहे हैं उनके लिए भी लगातार वो संदेश दे रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा ने यह शानदार प्रदर्शन किया है और भारत को पहला गोल्ड दिलाया है, ऐसे में ये भारत के लिए स्वर्णिम मौका बेहद खास है। तो लगातार बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बबीता फोगाट। बबीता जी, जिस तरह से लगातार सीएम मनोहर लाल नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए नजर आए और इससे पहले भी हॉकी महिला हॉकी टीम की भी जिस तरह से उन्होंने तारीफ की है, तो ये अपने आप में बेहद खास है क्योंकि जब खिलाड़ियों के हौसलों को अफजाई किया जाता है तो जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऐसा है, नीरज ने जो आज रचा है इतिहास वो कोई लड़का आज तक रच नहीं पाया था इस देश के अंदर। ट्रैक एंड फील्ड में मेडल लाना बहुत ही बड़ा टफ है, ये मैं बहुत खुशी है जो देश के लिए मेडल जीत पाया, वो इंडिया में उम्मीदें थी वो खरा उतरा, खेलते नहीं ना उसके हमारा आशीर्वाद उसके जो नीरज ने खेला, जो नीरज ने प्रदर्शन किया वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, बहुत ही बहुत ज्यादा मेहनत रंग लाई है। काम करना होता था कमा के लाना, प्यार तो उनका ज्यादा होता था, उनको हमारे तो सपोर्ट होती थी पूरी, अपने देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है। और सबसे ज्यादा मैं जाने का जैसे फादर ऑफ नीरज चोपड़ा हूँ, डिग्री में गोल्ड मेडल जर्मनी, बहुत अच्छा लग रहा है। जो रेस थी जो भारत का जो एथलेटिक का गोल्ड मेडल का आज तक सूखा था उसने वो पूरा किया, हमारी उम्मीद पे खरा उतरा, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से उनके आगमन की तैयारियां हैं क्योंकि पहला गोल्ड मेडल जी अपनी तरफ से जी जान लगा देंगे, हवाई अड्डे पर आएगा पूरा गांव, जहां तक भी हो सकेगा पूरे उसको लेने जाएंगे, पूरे स्वागत के साथ लेके आएंगे। आप खेती बाड़ी का काम भी करते हैं, मदर हाउस चल रहे हैं।